मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है बच्चों मैं आपको हिंदी कराऊंगी। हिंदी में हमारा पार्ट है चौथा। चौथे पार्ट में है जो हमारा एक कहानी दिख रही है, ये मित्तल की करामात। चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर में जोर जोर से आरती हो रही थी। आरती पूरी होते ही मित्तल जब अपने पापा के साथ बाहर आई, तभी एक ऑटो रिक्शा चालक वहाँ आया और नोटों की गड्डी से भरा पर्स लौटाते हुए बोला, आप यह पर्स ऑटो में ही भूल गए थे। मित्तल के पापा बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ईमानदारी अभी जीवित है। मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे रुपए लेकर बाजार जाना था। बीच में ही मंदिर आया तो सोचा कि दर्शन करता चलूं। ऑटो वाले ने मित्तल के पापा की तरफ मुस्कुराकर देखा और चला गया। उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाली मित्तल पताड़िया बाहर 12 साल की है। वह अपने पिता और बड़ी बहन के साथ रहती है। मित्तल घर में सभी के साथ काम में हाथ बटाती है। एक दिन मित्तल अपने पापा के साथ बाजार गई। बाजार में वही ऑटो वाला उन्हें फिर मिला। वह उन्हें ऑटो रिक्शे में बिठाकर बाजार तक ले गया। अब तक धीरे धीरे वह पापा का विश्वास जीत चुका था। दोनों बातों बातों में मित्तल के पापा ने उसे बताया कि कल उनके घर में शादी के लिए बाहर से मेहमान आ रहे हैं, तो शाम 7 बजे उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा। मित्तल के पापा निश्चित हो गए। वे बाजार से खरीदारी करके घर आ गए। अगले दिन दिवाली की चहल पहल थी। सब जगह खूब रौनक थी। मंदिर में आरती हो रही थी। मित्तल के पापा ने बहुत देर तक ऑटो वाले की प्रतीक्षा की। जब वह नहीं आया तो वे दूसरा ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन चले गए। इधर सब घर के काम में लगे हुए थे। मित्तल और उसकी बड़ी बहन घर में दीपक जला रही थी। माँ ने मित्तल की बड़ी बहन को पड़ोस में किसी काम से भेज दिया। अब मित्तल अकेली घर में दीपक जला रही थी और माँ कमरे में खराब बल्ब बदल रही थी। तभी वह ऑटो वाला अंदर आया। माँ ने उससे कहा कि बहुत देर से आया है, अब ऑटो नहीं चाहिए। ऑटो वाला फिर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर बोला, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। मित्तल की माँ ने मित्तल से पानी लाने के लिए संकेत किया। मित्तल पानी लेने अंदर गई। तभी ऑटो वाले ने एक अन्य साथी ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मित्तल पानी लेकर आई तो उसने देखा कि ऑटो वाला माँ की गर्दन पर चाकू रखे हुए है। ऑटो वालों ने मित्तल से कहा, देखो शोर मत मचाना, नहीं तो तुम दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। बताओ अलमारी की चाबी कहाँ रखी है। मित्तल एक पल के लिए सहम गई, फिर साहस बटोर कर बोली, आप अंदर चलिए, हम ढूंढते हैं। मित्तल और उसकी माँ ऑटो वाले और उसके साथी को अंदर ले गई। दोनों अलमारी की चाबी ढूंढने का बहाना करने लगी। मित्तल रत्ती भर भी नहीं घबराई। वह बोली, अरे हाँ, कल पापा सामान लाए तो चाबी पापा ने ही रखी थी। क्या मैं पापा से फ़ोन करके पूछ लूँ। खबरदार, अगर ज़्यादा होशियारी की अच्छा नहीं होगा, केवल चाबी के बारे में ही पूछना। एक ऑटो वाले ने मित्तल को धमकाते हुए कहा। मित्तल चुपचाप पापा को फ़ोन करने लगी। पहले तो मित्तल चाबी पूछने का बहाना करती रही, फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, पापा आप जल्दी जल्दी से घर आइए। मित्तल की इस हरकत से
दोनों ऑटो वाले घबरा गए और आपस में लड़ने लगे। उधर मित्तल भागकर अपनी माँ और स्वयं को रसोई घर में बंद कर दिया। सबसे पहले मित्तल ने अलमारी की चाबी छिपा दी। तब तक मंदिर की आरती भी पूरी हो चुकी थी। अब मित्तल रसोई घर की खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। अब ऑटो वाले बुरी तरह घबरा गए। वे रसोई घर का दरवाज़ा तोड़ने लगे। कुछ देर में दरवाज़ा टूट गया। ऑटो वाले ने मित्तल की माँ को बुरी तरह घायल कर दिया। इतने में बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। मित्तल दरवाज़ा खोलने के लिए बेचैन थी, लेकिन ऑटो वाले ने उसकी गर्दन पर चाकू से कई बार किए, परंतु मित्तल निडर होकर उनसे लड़ती रही और अंत में उसने दरवाज़ा खोल दिया। तब तक मित्तल के पापा पुलिस को लेकर आ गए थे। दोनों ऑटो वाले पकड़े गए। सब मित्तल को तुरंत अस्पताल ले गए। उसकी गर्दन पर 351 टांके आए। सब ने मित्तल के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की। उसकी बहादुरी के लिए उसे गणतंत्र दिवस पर गीता चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, इस तरह से ये कहानी आपको बच्चों पढ़नी है। थैंक यू के बाय, हैव अ नाइस डे।